ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर सदीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ अभी मैं आयशा हॉस्पिटल दीना मंगला रोड पे मौजूद हूं और मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है। नाज़रीन, आज सुबह इनके जो मिसेज़ है उनके यहाँ एक डिलीवरी हुई, इसी हॉस्पिटल के अंदर एक नॉर्मल डिलीवरी थी, जबकि ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर थी और साथ उसके जो स्टाफ थी उनकी गलती से एक उनका जो अंगूठा है दाएँ हाथ का अंगूठा वो कट गया। क्या मामला पेश आए, हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। वालेकुम सलाम सर, हम आशा हॉस्पिटल सुबह आए हैं, डिलीवरी केस था मेरी बीवी का नॉर्मल, इन्होंने डिलीवरी की है 1 बजे, तो बच्चा जो हमें दे ही नहीं रहे थे 2 घंटे तक, हमें बच्चा कहते हैं उसको हम लाइट लगा रहे हैं, उसे लाइट धूप लगा रहे हैं, लाइट की गर्माइश दे रहे हैं, 2 घंटे के बाद बच्चा लेके हैं उसके हाथ पर पट्टी भी लेती हूँ। मैंने बोला ये क्या है, कहते हैं इसका पदेशी अंगूठा नहीं था। हमने बोला दिखाएं, जब दिखाया मैंने बोला सच सच बताएं, इन्होंने हमें गुमराह किया, इन्होंने बोला कुछ नहीं आप छोटे बच्चों वाले हॉस्पिटल ले जाएं। हम जब उधर ले गए उसने डॉक्टर ने बोला इसे तो कट के साथ अंगूठा कटा हुआ है, इसका अंगूठा की तरह ले आए हम, हो सकता है फ़ौरन इसे जोड़ दें। लेकिन हम सीएम हॉस्पिटल लेके गए हैं, जो है सर्जन साहब थे वो छुट्टी की वजह से वो नहीं आ सके, उन्होंने बोला आप ठंडा हो गया नहीं जोड़ सकता, ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ इतनी ज्यादती की है, मेरे बच्चे का अंगूठा कट गया। मेरी वकील अल्लाह से अपील है इस आशा हॉस्पिटल को सील किया जाए, ये 2 नंबर काम करते हैं, आज मेरे बच्चे के साथ ये होगा उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा, कल किसी का और भी हो सकता है, ये ज्यादती का अजाला किया जाए। मेरी तमाम जो बड़े बड़े अदारे हैं उनसे अपील है कि मेरे साथ इंसाफ। अच्छा सर भाई, हमें बताएं आप प्रॉपर इनके पास चेकअप करवा रहे हैं? जी मैं प्रॉपर आता हूँ, मेरा छोटा बच्चा भी इधर ही पैदा हुआ है, इनके पास जाते हैं, पहले भी कोई ये बात नहीं ऐसी, पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने हमारे साथ ये किया। पहले कहते हैं पैदाइशी, अभी वो बोलते हैं हमें गलती से जब नाड़ काटते हैं ना बच्चे की, वो काटते हुए ये लग गया। किसने काटी? ये कह वो डॉक्टर कह रहे हैं कि जब मैंने काटी है ना उस टाइम शहर लग गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला, तो मैं माजरत चाहती हूँ। अब वो माजरत कर रहे हैं, माजरत से तो कुछ नहीं होगा। 4 घंटों के बाद इन्होंने अंगूठा दिया है, डॉक्टर बोलता कि अगर ये फौरन आप फौरी ले आते ना तो ये अंगूठा जुड़ सकता था, उसका ये सब कुछ हो सकता है, हमारा रिस्क करने के बाद इन्होंने दिया है। पहले तो ये कहते हैं अंगूठा हमारे पास है नहीं, हमने काटे नहीं है, पदेशी है, बाद में इन्होंने अंगूठा दे दिया। वो मैं आपको अंगूठा भी दिखा सकता हूँ, मेरे बच्चे का जो अंगूठा इन्होंने काटा। मुझे तमाम जो इदारे हैं जो बड़े बड़े कानूनी नाफज करने वाले उनसे मेरी अपील है इस हॉस्पिटल को सील किया जाए, आज मेरे बच्चे के साथ जाती हूँ या कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, वो बच्चा उस रूम में पीछे मौजूद है और इस रूम में अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, बात करने की उनसे भी कोशिश करेंगे। अभी जो हमारी उनसे मीडिया नुमाइंदगान पुलिस की और एजेंसी जो अंदर बैठी हैं उनसे बात हुई, तो इस बात पे उन्होंने एडमिट किया कि ये जो गलती हुई है हमसे गलती के तौर पर हुआ है, जबकि उनकी जो वारिस है जो खवातीन उस ऑपरेशन के साथ मुतासरा बीबी जो बच्चा है उसके साथ जो कायल करने की कोशिश की कि ये जो बच्चा आप अंगूठे का कह रहे हैं कि अंगूठा पैदाइशी है, जबकि ये ऐसा नहीं है, उस पर पट्टी बांधी हुई है, अगर पैदाइशी था तो पट्टी क्यों बांधी हुई थी, ज़्यादा इसरार करने पे फिर उसको एडमिट किया गया कि वाकई हमसे ये गलती हुई है। और गलती के बाद एक और उन्होंने जुल्म ये किया कि जितनी वो अंगूठा जो हिस्सा कटा हुआ था वो किसी डस्टबिन में फेंक दिया, सामने भी नहीं था, और उसका काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उस अंगूठे को दिया गया जो कि मुख्तलिफ सीएम एच ए खारियाँ और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में गए और जहाँ पे जाके इस अंगूठे को जोड़ने की बात की, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, उसकी जो गरमाइश थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अभी वो बच्चा पैदाइशी बच्चा अभी जो जिसके आज पैदाइश हुई है उसको माजूर कर दिया गया। कोशिश करते हैं जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बात करने की। नाज़रीन, ये इनका पहला वाकया नहीं, आए रोज इस हॉस्पिटल के जो हैं वो मामलात ऐसे आ रहे हैं, कई जगह पे सुनने में ये आया है, मीडिया नुमाइंदगान पे सामने आए हैं। मेरे गांव सैयद हुसैन का एक वाकया यहाँ पे पेश आया कि एक बच्चे को की डेथ हो गई और इन्होंने जब उस पर एतराज़ किया इंक्वायरी की लेकर गए, लेकिन किसी से टा से मास नहीं, और हर बार इंतजामिया इस हॉस्पिटल को छोड़ दी है, किस वजह से छोड़ रही है, किसका हाथ है इस हॉस्पिटल के ऊपर, ये एक सवालिया निशान है। कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर आयशा यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो अपना मौकफ देना चाहें तो वो देखते हैं क्या कहते हैं। अपना सर बता दें हमें, हमने यही कहा कि अगर आपसे गलती हो गई है, कम से कम हमने आपसे बार बार इसरार किया है आप हमें वो अंगूठा दें ताकि हम किसी सर्जन के पास लेकर जाएं ताकि वो दोबारा उसको कोई उसका मसला कोई हल हो सकता है तो वो हम उसका करवाएं। इन्होंने इतना टाइम वेस्ट करवाया कि उस टाइम की वजह से उसका वो बच्चे का हाथ ज़ाया हो गया हमारे का।